आज हम ट्रेन का बहुत बेहतरीन इंजन बनाने वाले हैं। इसमें इसकी स्पीड भी पता चल जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी इसकी स्क्रीन आ रही है इस पे। अब हम लोग इसे बनाएंगे। आपको मैंने एक बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर ली हैं मैंने इसकी चीज़ें, आप भी इन चीज़ों को ले दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है मोड्स का, तो आप ले लीजिए ऐसी चीज़ें। यहाँ पे मैंने स्पीड के लिए ले ली, मैंने वैसे तो इंजन का पूरा सामान हो गया है, स्पीड भी मैंने ले ली है। स्पीड के लिए हमें सिर्फ 3 बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा वो कुछ ऐसा उसमें सेट किया जाता है जिससे वो स्पीड पता कर सकें। तो पहले मैं एक पटरी बना रहा हूँ 2-3, इससे क्या वो जो अपनी ट्रेन होगी ना वो चलेगी किस पे, है ना। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए, वरना आपको समझ नहीं आएगी इस वीडियो को मैंने कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों मैं अभी पटरी लगाता जा रहा हूँ। तो दोस्तों जब तक पटरी लग रही है तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बस चलते हैं। अब मैं पटरी बना दी मैंने, अब मैं ट्रेन का इंजन बनाने वाला हूँ। मैंने यहाँ 4 बॉक्स लगा दिए हैं। अब मैं इसे यहाँ तक लाऊंगा जिससे कि टायर बन जाए। तो दोस्तों मैं वैसे तो ज़्यादातर लोग दिखाते हैं कि वो ट्रेन के टायर दिखाते हैं, लेकिन मैंने ये नॉर्मल टायर होते हैं ना गाड़ी कारों के, मैंने उन्हीं से बना दिए क्योंकि ये बहुत ईजी है, ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी इसे बना सकते हैं अगर आपके पास गेम हो तो। अगर इस गेम को बहुत ईजी है, इस गेम का नाम एवरटेक है, आप जल्दी से इस गेम को कर लीजिए और आप भी मेरी तरह वीडियो बना सकते हैं और आप भी मेरी तरह सीख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें 2 टायर्स लगा दिए, यानी कि 2 व्हील लगा दिए मैंने इसमें। तो अभी मैं इसमें बॉक्स लगा रहा हूँ जिससे कि जो चले ना वो लंबी दिखे मेरे को, हाँ तो जैसे आपको भी लंबी दिखे। और ये मैंने ये रेड्स लगाए हैं ना, ये पटरी पर ही रहेंगे, जैसे कि अगर पटरी से बाहर नहीं जाएगी इससे गाड़ी। मैं पीछे भी लगाऊंगा अभी ये, तो मैं अभी पीछे लगाऊंगा ये। मैंने इस पर भी टायर लगा दिया, बीच में भी टायर लगाऊंगा, ये 3 टायर में बन जाएगा। तो मैंने तीन टायर लगा दिए, 3 इधर 3 उधर, तो ये हो गया कुल मिला के 6 टायर लगाए हैं। और मैंने ये दोबारा से वो लगाया रेड वाला, इसे अभी पटरी वो बिल्कुल उसी में रहता है। अभी ये मेरा जॉइंट नहीं हो पा रहा क्योंकि ये पीछे से सॉल्ट रहा है और थोड़ा सा मुझे इसे साइड करना है। ओके दोस्तों अब ये हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, एक सीट लगानी है, हाँ सीट लगानी है मेरे को। पहले मैं 2 टायर लगा दे रहा ऐसे कि अगर पटरी से बाहर नहीं जाएगी तो बाई चांस चलेगी तो नहीं पर आगे की तरफ चलेगी, इससे वो आगे नहीं जा पाएगी ज़्यादा। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव कर रही है, मैंने टेस्ट कर लिया है, मैं सीट लगा दे रहा वरना ये मेरे को छोड़ ही चली जाएगी। हाँ तो ये अगर इसमें कोई इंजन अभी तक इस टायर व्हील्स में लगाएंगे नहीं ना तो फिर ये होता है ना ये टायर वो चलते ही जाएंगे। इसलिए अभी मैं फिलहाल तो ये लग क्यों नहीं रहा, हाँ लग गया लग गया। तो मैं अरे डीट क्यों हो गया, मैं इसे दोबारा लगाता हूँ तो फिर बॉक्स को बॉक्स डीट हो गया था उससे मैं भूल गया था। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब स्पीड के लिए मुझे यहाँ पे बॉक्स लाने पड़ेंगे क्योंकि ये मैं इस सीट ने बहुत जगह घेर ली है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लगाए हैं और मैंने बॉक्स लगा दिए हैं। अब मेरे को स्पीड के लिए वहाँ पे वो आते हैं 1, 2, 3 वाले, मैं उन्हें लेने वाला हूँ, मैंने आई मीन ले चुकी है मैंने। अब आपको भी ऐसी ले लेनी है, ये बॉक्स को मैंने लगा दिया। आपको ध्यान रखना है कि ये उल्टे ना हो जाएं और ख़ासकर इन 1, 2, 3 वाले में, जैसे कि मेरे में उल्टे लग गए। चलो ठीक है उल्टे मैंने, हाँ हाँ सीधे हो गए, सीधे हो चुके हैं। अब मेरे को उस साइड बॉक्स बना देगा 2 NUM और यहाँ पे ये ऑप्शन मिलते हैं। ये अभी आपने देखा था ना 2 बॉक्स मैंने लगाए थे, उनमें एक तो वो था और दूसरा ये वाला है ना, ये मैं इसे मैच कर रहा हूँ इसके बगल वाला है ना, उस पर स्पीड लिखा जाएगा, उसमें ऑप्शन बहुत आ जाते हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल आज अभी तो मैं स्पीड का ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेन बना रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रेन है ये, आप भी घर पे बना सकते हो। और ये बहुत फास्ट भी चलती है, ट्रेन का ये इंजन है मैंने इसे इंजन में बनाया है क्योंकि पीछे की ट्रेन में बहुत देर लगेगी, इसलिए मैंने इसे बनाया नहीं है। और ये डिलीट हो गया, मैंने टाइट कर दिए। अब मैं उससे जॉइंट, अब मेरे को उस ब्लू कलर के बॉक्स को NUM को इससे जॉइंट करना है, मैंने इसे जॉइंट कर दिया है और इसको ऑन कर रहे हैं, नहीं हटा हटा हटा, हाँ तो मैंने देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं स्पीड का लिख रहा हूँ, स्पीड आ गई, मैंने स्पीड का ले लिया है। दोस्तों आप भी घर पे इसे ट्राई कर सकते हैं, आप गेम को खेलें और आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1, 2, 3 होना चाहिए,
अगर 1-2-3 नहीं होगा तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। जैसे ये स्पीड चलिए, अभी फिलहाल मेरी 81 की स्पीड है शायद, मैंने इंजन को ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा आपको उतनी स्पीड हो। अगर 7 पे रखेंगे तो फिर 81 तक स्पीड जाएगी, है ना। तो मैं 7 पे रखूँ, लाल तो 6 बार अच्छा है, मैं चलो 6 पे रख ली है, 6 पे ज़्यादा अच्छी तो नहीं चल रही फिलहाल, चलो 7 पे करते हैं इसे, 7 पे चेक करेंगे शायद। नहीं नहीं 7 अच्छी नहीं है। हाँ तो अब मैं यहाँ पे एक और द्वारा से बॉक्स लगा रहा हूँ क्योंकि चल जाने के द्वारा से स्पीड 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 लग चुका है मेरा बॉक्स स्पीड का। आप देख सकते कितनी बेहतरीन चल रही है मेरी गाड़ी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।